श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद पांचवा अध्याय चौबीसवां राहु आदि की स्थिति अतल आदि नीचे के लोगों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। इसने भगवान की कृपा से ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है। स्वयं यह सिंह का पुत्र असुरधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन। अमृत पान के समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। उस वैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। वह निरंतर घूमता रहता है, इसीलिए राहु उसके असह तेज से उद्विग्न और चकित चित होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिक कर फिर सहसा लौट आता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। उनके नीचे जहाँ तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उसके नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है, जहाँ तक हंस, गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका है। इससे भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल नाम के 7 भूविवर हैं। ये एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित हैं और इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10,000 योजन ही है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायामयी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सब गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बंधु, बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्न चित रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्र आदि में भी सामर्थ्य नहीं है। महाराज, इन बिलों में मायावी मय दानव की बनाई हुई अनेकों पुरियां शोभा से जगमगा रही हैं, जो अनेक जाति की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन, परकोटे, नागद्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और ग्रहों से सुशोभित है, तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर, तोता और मैना आदि पक्षी किल्लोल करते रहते हैं, ऐसे पतालधिपतियों के भव्य भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात देते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं, जिनकी सुंदर डालियाँ फल फूलों के गुच्छे और कोमल कपोलों के भार से झुकी रहती हैं, तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंग पाश से बांध रखा है। वहाँ जो निर्मल जल से भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, उनमें विविध विहंगों के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयों की सुषमा से वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयों में रहने वाली मछलियाँ जब खिलवाड़ करती हुई उछलती हैं, तब उनका जल हिल उठता है। साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल, कुमुद, कुवलय, कलार, नील कमल, लाल कमल और शतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम क्रीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति की मीठी बोली बोलते रहते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को बड़ा ही आनंद होता है। उस समय समस्त इंद्रियों में उत्सव सा छा जाता है। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसीलिए दिन रात आदि काल विभाग का भी कोई खटका नहीं देखा जाता। वहाँ के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मणियाँ ही दूर करती हैं।
इन लोकों के निवासी जन औषधि रस रसायन अन्न पान और स्नान आदि का सेवन करते हैं। वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते तथा झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का कांतिहीन हो जाना, शरीर में से दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, ये कोई विकार नहीं होते। वे सदा सुंदर, स्वस्थ, जवान और शक्ति संपन्न रहते हैं। उन पुण्य पुरुषों की भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती। सुदर्शन चक्र के तो आते ही भय के कारण असुरमणियों का गर्भस्त्राव और गर्भपात हो जाता है। अतल लोक में माया दानव का पुत्र असुर बल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची है। उसमें से कोई कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है। उसने एक बार अभाई ली थी, उस समय उसके मुख से स्वैरिणी, कामनी और पुंश्चली तीन प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम का रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना लेती हैं और फिर उनके साथ अपनी हाव भावमयी चितवन, प्रेममयी मुस्कान, प्रेमालाप और अलिंगन आदि के द्वारा यथेष्ट रमण करती हैं। उस हाटक रस को पीकर मनुष्य मदांध सा हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस प्रकार बढ़ कर बातें करने लगता है। उसके नीचे वितल लोक में भगवान हटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूतगणों के सहित रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहाँ हाटकी नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकलती है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वह जो हाटक नाम का सोना थूकता है, उससे बने हुए आभूषणों को दैत्यराज के अंतःपुरों में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। वितल के नीचे सुतल लोक है। उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से वटु वामन रूप में अवतीर्ण होकर उनसे तीनों लोक छीन लिए थे। फिर भगवान की कृपा से ही उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है, वैसी इंद्र आदि के पास भी नहीं है। अतः वे उन्हीं पूज्यतम प्रभु की अपने धर्माचरण द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं। राजन, संपूर्ण जीवों के नियता एवं आत्मस्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमि दान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। यह ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमि दान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। भगवान का तो छींकने, गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य सहसा कर्म बंधन को काट देता है, जबकि मुमुक्षु लोग इस कर्म बंधन को योग साधना आदि अन्य अनेकों उपायों का आश्रय लेने पर बड़े कष्ट से कहीं काट पाते हैं। अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को स्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों के आत्मा श्री भगवान को आत्मभाव से किए हुए भूमि दान का यह फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वस्व दान के बदले अपनी विस्मृति कराने वाला यह मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया, तो उन्होंने उस पर यह कोई अनुग्रह नहीं किया। जिस समय कोई और उपाय न देख कर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण के पाशों में बंद कर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था, खेद है, यह ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसने सम्मति लेने के लिए अनन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया, फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास्य न मांग कर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग ही मांगे। ये तीनों लोक तो केवल एक मन्वंतर तक ही रहते हैं, जो अनंत काल का एक अवयव मात्र है। भगवान के कैकर्य के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है। हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकश्यपु के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था।
भगवान देना भी चाहते थे तो भी उसने दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। वे बड़े महानुभाव थे, मुझ पर तो न भगवान की कृपा ही है और न मेरी वासनाएं ही शांत हुई हैं, फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। राजन, इस बलि का चरित्र हम आगे विस्तार से कहेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है, इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था। सुतल लोक से नीचे तलातल है, वहां त्रिपुराधिपति दानवराज मैं रहता है। पहले तीनों लोकों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके तीनों पुर भस्म कर दिए थे, फिर उन्हीं की कृपा से उसे यह स्थान मिला। वह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसीलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है। वहां के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं। उसके नीचे महातल में क्रुद्ध से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले शोका क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कुहक, तक्षक, कलिये और सुषेण आदि प्रधान हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी से डरते रहते हैं, तो भी कभी कभी अपने स्त्री, पुत्र, मित्र और कुटुंब के संग से प्रमत होकर विहार करने लगते हैं। उसके नीचे रसातल में पणी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात कवच, कालेय और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी होते हैं, किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है, उन श्रीहरि के तेज से बलाभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लुक छिप कर रहते हैं, तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्र वर्ण रूप वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से डरते रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल है, वहाँ शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। अनेक फनों की दमकती हुई मणियाँ अपने प्रकाश से पताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 5वां अध्याय 24वां समाप्त।